देखिए, हम अपने गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, और किस तरीके से हम तैयार करते हैं वो आप देखिए। हालांकि बार बार तैयार करता रहता है, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता है कि वीडियो बनाया जाए। देखिए, ये नीम की खली है, ये डी आयल नीम केक, थोड़ा उल्टा कटा हुआ है। ये नेचर फ्रेश, नेचर फ्रेंड कंपनी का है। ये 2 किलो हम इन्हें ये लगा। ये नीम केक अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो ये 2 किलो हम नीम केक मिला रहे हैं इसमें। इससे ये होगा कि आपका फंगस और जो भी मिट्टी जनित बीमारियां होती है उससे आपको काफ़ी हद तक छुटकारा रहता है। और प्लस एक ये भी फायदा हो जाता है कि आपको इससे कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वगैरह भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और उसके बाद हम ये रेत 1 बोरी इसमें मिला रहे हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और आप किसी भी प्रकार के इसमें पौधे उगा पाते हैं। ये सफ़ेद वाली रेत है, जिसको दिल्ली एरिया में जमुना रेत कहते हैं। वो है चाकू देना। खरबूज या मूली वगैरह लगाना हो तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें कुछ इस टाइप का पोटास होता है कि ऐसे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ओ, वो तसला वाला इसके ऊपर छिड़क दो, और तसला दो। इतना भारी है ये, दो तसला देना है। निकाल कर मिला रहे हैं। ये 18x18 के 5 से 6 गमले हम इसमें भरेंगे, क्योंकि देखिए छोटे गमले में पौधे लगाते तो हैं हम लोग, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो बड़े गमलों में आता है। मैंने छोटे गमले में कुछ खीरे लगाए थे, बहुत जल्दी वो जवाब दे गया फलने से, इसलिए गमला तो आप बड़े साइज का ही यूज करें। और लग रहा है इतनी रेत ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा आगे आओ। इसका एक और फायदा होता है कि आपकी मिट्टी में आगे कम से कम ढेला नहीं बनेगा, क्योंकि रेत के कण बीच बीच में रहते हैं, वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देते हैं। ये धनुका कंपनी का अर्बन गार्डन प्रोटेक्ट प्लस, इसमें कुछ नीम खली की मात्रा होती है, बाकी इसमें काफ़ी सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। एक अच्छा कंपोस्ट है, शायद ये लीफ मोल्ड है, लीफ मोल्ड टाइप का कुछ है। तो ये ज़्यादा नहीं मिलाया जाता है, एक गमले में 60 से 70 ग्राम मिलाया जाता है, और काफ़ी सारे पोषक तत्व इससे मिलते हैं। आप
आपके पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट अन्य पोषक तत्व भी। तो ये भी हम लगभग इसमें आधा किलो डाल रहे हैं, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही डाल रहे हैं। और ऐसे आप पूरा इवेनली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब बराबर हर हिस्से में पहुंच जाए हर चीज़, क्योंकि बड़े गमले की मिट्टी में बार बार आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको एक बार में ही हर चीज़ मिला देना होता है, तो आपका 4-5 साल तक उसको उठाना ना पड़े। ये कोकोनट कोकोपीट कोकोपीट मिला रहे हैं इसमें, जिससे हमारी मिट्टी हल्की रहे, छत पर ज़्यादा वजन ना हो, और प्लस ये मिट्टी में एरेशन भी बना कर रखता है। लगभग ये 5 किलो का ब्रिक था, इसका कुछ पहले हम यूज कर चुके हैं, और कोकोपीट को किस तरह से धोना है, किस तरह से इसकी सफाई होती है, उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिलेगी। ये धो करके और हल्का सुखा करके हवा लगा करके रखी हुई है, पोस्ट हाफ डिकम्पोज हुआ पड़ा था वो हमने नीचे नीचे भर दिया है, लगभग आधा आधा गमला तो हमने उससे भर लिया है, बाकी आधा गमला हम जो तैयार मिट्टी है इससे भरेंगे। इतना सारा इसमें मिला दिया, अब थोड़ा सा हमारे पास राइस हस्क का है तो ये सारा ही हम डाल देते हैं। लगभग 5 किलो के करीब राइस हस्क है हमारे पास, ये भी हम इवेनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके ऊपर। इससे थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, 20% तक तो आप मिला ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल इतना ही पड़ा है, नहीं डाल रहे हैं राइस हस्क का, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसके ऊपर। और अब आपको हम दिखाते हैं कि गमला हमने कैसे भरा है पहले से। ये देखिए, ये नीचे नीचे हाफ टीप कंपोस्ट है, और इसमें काफ़ी लगभग ये 2 महीने से हमारे यहाँ तैयार हो रहा था, बहुत सारा मात्रा में था। ये देखिए कुछ इसमें भी है, ये ऊपर से थोड़ा सा गार्डन का टुकड़े डाल दिए हैं। ये देखिए, क्योंकि ये बड़े गमले हैं सिर्फ मिट्टी के भरोसे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, इसमें ये नीचे नीचे हमने कंपोस्ट भर दिया है, अभी पूरी तरह बना नहीं है कंपोस्ट, हाफ डिकम्पोज है, और इन्हीं गमलों में हमें ये मिट्टी भरनी है। और अभी देखते हैं, कुछ मूली लगानी है, कुछ बीन्स, इसको ब्रॉड बीन कहते हैं, जलाइमा बीन कहते हैं, वो वाले बीन्स लगाने हैं, क्योंकि आजकल और कोई चीज़ तो लता वाली होती नहीं है,
बीन्स लगा सकते हैं। थोड़ा और ये देखिए, ये बर्मी कंपोस्ट है, तो हमारे यहाँ ये लोकल मिल जाता है, तो हम तो 50 किलो का बोरी लेके आते हैं। आपको चाहिए तो आपके लिए हम लिंक डाल देंगे, अमेजन लिंक, वहाँ से ले सकते हैं। तो लोकल ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो इस तरह से आपको ये जितना भी हमने सब इसमें सामान डाला है और मिट्टी को पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब पूरा ये मिट्टी मिक्स हो जाए, उसके बाद थोड़ा देर इसे छोड़ के और आप इसे अपने गमलों में भर सकते हैं, और जो भी प्लांट आप इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसमें दिखाए हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन्हें बाय कर सकते हैं। और यदि आपको कोई इसके रिगार्डिंग सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कि आपको कोई क्वेश्चन हो अगर तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसमें मिलाई गई चीज़ों के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इस सब चीज़ों को बाय कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, ताकि जब आप इसमें पौधे लगाएँ तो किसी प्रकार के इसमें बीमारी ना आए, किसी प्रकार के कीड़े ना लगें और आपकी मिट्टी और पौधे बहुत ही स्वस्थ रहें। तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें।